आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। 2016 में लागू नियोजन नीति के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई निरस्त, शिक्षकों में अफरा तफरी। तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू नियोजित नीति को झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। वहीं आज काफी संख्या में शिक्षकों के चेहरे पर मायूसी देखी गई। शिक्षकों ने हेमंत सरकार न्याय करो के नारे लगाए और मीडिया के माध्यम से शिक्षकों ने अपनी बात को सरकार के सामने रखा। शिक्षकों ने कहा कि पिछली सरकार ने नियोजन नीति के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, नई सरकार ने कुछ नहीं किया और हाईकोर्ट ने 2016 में लागू नियोजन नीति को अवैध असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। हम लोगों की इसमें क्या गलती है? हम लोगों का भविष्य अंधेरे में चला गया है। 13 जिले को इसमें टारगेट किया गया है। हम लोगों की मांग है कि सरकार इस पूरे मामले को पहल करे। अभी इस कोरोना काल में कौन नौकरी हम लोगों को देगा? जमशेदपुर से शिव शंकर साह की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? विरोध हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार ने नियोजन नीति बनाई, आज झारखंड सरकार ने नियोजन नीति हटा दी। इसमें हम शिक्षकों की क्या गलती है? हम शिक्षक आज एक साल नौकरी करने के बाद, हमारा 15 महीना जॉब तो हो गया, आज अचानक हमें एक दिन में बोला गया कि नौकरी चली गई। ये चीज़ बहुत गलत है और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की क्या होगी अगली रणनीति? हम आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पहल करेंगे। जाएंगे आप लोग? हमारे विरोध का कारण सबसे पहला ये है कि हम लोगों ने एक सिस्टम के तहत एग्जाम दिया, फॉर्म भरा, हमारा उसमें सारा टाइम लगा और जॉब भी हासिल किया। एक साल से हम जॉब कर रहे हैं और जॉब करने की ड्यूरेशन अचानक से खबर आती है कि हमारा जॉब चला गया। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि हमारा जॉब चला गया। कितने टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखा है इसी जॉब की बदौलत, क्योंकि अगर सरकारी डिपार्टमेंट में भी आकर हमें अपने जॉब का डर रहेगा कि हमारा जॉब कब चला जाए, तो फिर मतलब हम कहाँ सेफ महसूस करेंगे। एक बोला जाता है कि हाँ सरकारी नौकरी आ गई, अब आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वो भी सेफ्टी नहीं है। और कोरोना वाले माहौल में अब कौन हमें जॉब देगा? प्राइवेट सेक्टर में भी अब हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहाँ से हम जॉब छोड़ करके अब वहाँ किस मुँह से हम जाएंगे कि हमें वापस जॉब पे रखा जाए? जो ऑनलाइन क्लासेज हो रही है अब वहाँ तो टीचर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएं? हमारी दरख्वास्त है हेमंत सोरेन सरकार से, अभी की सरकार से, कि प्लीज इस पे कुछ पहल करें, क्योंकि हमें अभी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम कहाँ जाएं और क्या करें।